नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। विश्व कप में भारतीय टीम को अपने शुरुआती दौर में ही बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन टीम से बाहर हो गए हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक धवन की जगह पंत को टीम में शामिल किया गया है। धवन के बाहर होने के बाद अब आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है कि ऋषभ पंत शिखर धवन की जगह लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि किन किन वजहों से पंत को धवन की जगह टीम में मौका दिया गया है। नंबर एक, आक्रामक शैली। ऋषभ पंत और शिखर धवन दोनों ही आक्रामक किस्म के बल्लेबाज हैं। पंत को भी धवन की तरह ही तेज बल्लेबाजी करना पसंद है। हो सकता है धवन की जगह पर पंत आपको ओपनिंग करते नजर आए। पंत टीम को धवन की तरह तेज शुरुआत दे सकते हैं। नंबर दो, बाएं हाथ के बल्लेबाज। शिखर धवन के बाहर होने के बाद टीम के ऊपरी क्रम में बाएं हाथ के बल्लेबाज की कमी है, जिसे पंत पूरा कर सकते हैं। नंबर तीन, इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड की धरती पर शानदार कारनामा कर चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट मैच सीरीज में पंत ने शानदार शतके पारी खेली थी, तो इस लिहाज से पंत टीम इंडिया के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। नंबर चार, आईपीएल का हालिया प्रदर्शन। ऋषभ पंत के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का सीजन बड़ी खुशियों लेकर आया था। आईपीएल 2019 में ऋषभ पंत ने कुल 16 मैच खेले। दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस खिलाड़ी ने 37.53 की औसत से 488 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 162.66 का रहा था, जबकि उच्चतम स्कोर नाबाद 78 का रहा था। नंबर पाँच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन। विराट से भी ज्यादा रन बनाए। ऋषभ पंत ने भारत के 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था। कंगारुओं के खिलाफ टीम इंडिया की जीत में पंत का अहम योगदान था। इस सीरीज में पंत ने 4 मैचों की 7 पारियों में 350 रन बनाए थे। खास बात यह थी कि इस सीरीज में पंत ने कोहली से भी ज्यादा रन बनाए थे। वैसे आपको बता दें कि जब विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई थी, तब पंत का नाम ना होने पर काफी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब धवन के बाहर होने के बाद पंत को मौका मिलना एक तरफ जहां पंत के लिए गोल्डन चांस है, तो पंत का शामिल होना टीम के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।